हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फर्स्ट पार्ट, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab². देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² होता है। आप जरा गौर से देखना, ये यही बन चुका है। 2a होल क्यूब मैं इसे लिख सकता हूँ, प्लस b का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 3 इंटू, अब देखिए ये 2a है ना, तो 3 इंटू a² था ना, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3। ये बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2a प्लस बी होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखिए, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b प्लस 6ab². फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बन गया, 2a होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू b². देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिख दिया, और आप चेक कर सकते हैं, ये ही चीज़ बन चुकी है ये, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2a माइनस बी होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², यही फॉर्मूला फिर से लगेगा। ये बन गया आपका 3 का क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस 3a² यानी 3 का स्क्वायर, b कितना 5a प्लस 3a, a कितना 3 और b² कितना 5a का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 3 माइनस 5a होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में कहता है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab². तो देखिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो ये बन गया 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3a² यानी 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b और प्लस 3a और इंटू b², ठीक है। ये क्या बन गया अब आपका, 4a माइनस 3b होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में कहता है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3a² और b कितना 1/6
प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना 3p और बी स्क्वायर कितना 1/6 का स्क्वायर। क्लियर है ना, केवल मैं फॉर्मूले का ध्यान रख के ये सब चीज़ें अपने आप केवल ए और बी ढूंढता हूँ और उसके बाद इन दोनों को इसमें रख देता हूँ और कुछ नहीं करता, ये अपने आप ये बन जाता है, ये दो टर्म जो है ना ये अपने आप ही आ जाती है इसमें, ठीक है ना। तो ये बन गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, क्वेश्चन देखिए 9th में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वेरीफाई करना है कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए RHS लेके चलते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को इन तीनों से किया तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, फिर y से करूँगा प्लस वाई एक्स स्क्वेयर, फिर y से इसको करूँगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, फिर ये बन गया प्लस वाई क्यूब। क्लियर, तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई ये कट गए और एक्स वाई स्क्वेयर प्लस माइनस के से दोनों कट गए, आंसर आ गया मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि LHS के इक्वल हो गया। RHS मैंने लिया था और LHS के ये इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, उसमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दोनों आइडेंटिटी भी है, एक ये आइडेंटिटी है, अब जो ये सवाल है ये भी, ठीक है। तो ये हमें याद भी करनी है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका भी इसी तरह से हम RHS लेंगे। तो ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले x से करो इन तीनों को, तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, फिर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और प्लस एक्स वाई स्क्वेयर कट गए और एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स स्क्वेयर वाई ये कट गए, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया इसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मेरा LHS के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना था हमें। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दोनों सवालों के, ये जो आइडेंटिटी है ये पूरी, ये और ये, इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है ये 10वां क्वेश्चन। देखिए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए प्लस बी यानी 3y प्लस 5z और ये बन गया आपका 3y होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z और प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितने हैं इसमें 5z, तो ये क्या बन गया आपका 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, कुछ नहीं किया, केवल इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और यहाँ लगा दी, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कहता है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है और 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है, ठीक है ना। तो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस b ए स्क्वेयर यानी 4m होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 7n होल स्क्वेयर प्लस ab यानी 4m इंटू 7n,
तो ये बन गया आपका 4m माइनस 7n, और ये 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर और प्लस 28mn, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर, ये था आपका सेकेंड नाइन्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन, ठीक है ना। इलेवेंथ देखिए, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 × 3x × y × z। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? गौर से देखिए, सेम चीज़ लिखी है। क्यों लिखी है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इसके जैसा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गई फिर? अब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस y प्लस z, ए स्क्वेयर यानी 3x होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ab यानी 3x × y माइनस bc मतलब y × z और माइनस ca, c कितना? z, और a कितना? 3x। तो ये क्या बन गया मेरा? 3x प्लस y प्लस z 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर, कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूला लगाया है, ठीक। 12वां सवाल देखिए, इसमें कहता है कि ये प्रूव करो, वेरीफाई करो कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो है ना, वो हाफ x प्लस y प्लस z x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर इनके बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो इसका RHS ले लेते हैं हम, तो ये बन गया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं इसको खोलूँगा तो x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस z² प्लस x² माइनस 2zx, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर दो बार है तो 2x², इसी तरह y² दो बार है तो 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ गया। इन सारे में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो सारे में से 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, ऊपर आ गया यहाँ x, और ये 2 अपॉन में पड़ा ही हुआ था, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये बन गया आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 से 2 कट गया, ये फॉर्मूला बन गया। देखो मैंने आपको बताया था, सेम फॉर्मूला बन गया है, और ये हो गया मेरे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये LHS के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहता है अगर 0 हो तो हमें शो क्या करना है? शो दैट
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सुनिए सॉल्यूशन देखिए इसका। वी नो दैट, क्या पता है हमें, एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है। और x प्लस वाई प्लस जेड मेरे को यहाँ कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो ये चीज़ दोबारा लिखो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये चीज़ अगर जीरो से मल्टीप्लाई हुई तो आंसर क्या आया, जीरो। क्या चीज़ जीरो के बराबर आ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो जीरो के इक्वल आ गया। तो ये चीज़ मैं उधर ले जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल आ गया, आंसर आ गया आपका। सॉल्यूशन ये शो करवाना था ना, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। 14th देखो, अब 14th क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट देखिए, माइनस 12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब, कहता है इसको विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, इनको इनके क्यूब नहीं निकालने और बिना क्यूब निकाले आपको इसे सोल्व करना है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो, तो x यहाँ क्या है माइनस 12, वाई क्या है 7 और जेड क्या है 5, तो माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, जोड़ना इनको, जीरो आया। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सवाल क्या कहता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz। इसका मतलब ये जो चीज़ है माइनस 12 होल क्यूब 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब ये किसके बराबर आ जाएगा, 3xyz, 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 1260 आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। 14th का सेकंड पार्ट देखिए, 28 होल क्यूब प्लस माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब, ठीक है। तो क्योंकि 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 इन तीनों को आप जोड़ोगे तो जीरो आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गया। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर बन जाएगा, 3abc के। तो 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13 ये मेरे पास, इनको मल्टीप्लाई करोगे 16380 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 28 15 420 420 थी यहाँ 1260 को 1300 करोगे तो 16380 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये आंसर प्लस का आ गया आपका। अब इसका 15th क्वेश्चन देखिए, कहता है एरिया दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो कहता है इसके ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो इसके डाइमेंशंस निकालने यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं। तो पहले इसके टुकड़े बनाओ, इनका मल्टीप्लाई कितना आया 300, तो ये किसके बराबर हो गया 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 हो गया। इन दोनों में से 5a कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 5a माइनस 4, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन तो 5a माइनस 4, तो ये बन गया आपका 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो इनमें से एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेड्थ हो जाएगी, तो जो छोटी छोटी वाली होती है वो तो ब्रेड्थ होती है, लेंथ होती है। तो हम तो सीधा लिख देंगे डाइमेंशंस आर 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। 15th का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 35y² प्लस 13y माइनस 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 420 आया। अब 35y² अब इसके जब
टुकड़े बनाओगे तो 28y माइनस 15y माइनस 12 हो गया ये, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लिया 7y, तो ये बन गया 5y प्लस 4, और यहाँ 3 कॉमन लिया माइनस का, तो ये भी 5y प्लस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 5y प्लस 4, तो अंदर क्या बच गया हमारा, 7y माइनस 3। तो डाइमेंशंस आर, क्या क्या डाइमेंशंस बन गई, 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, ठीक है। अब इसका जो 16th क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन देखिए, इसमें अभी तक तो एरिया की बात कर रहा था, अब वो कहता है क्यूबॉइड है और उसमें वॉल्यूम का जिक्र करता है कि वॉल्यूम इसकी दे रखी है हमें 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 3x, तो x माइनस 4। वॉल्यूम के अंदर डाइमेंशंस कितनी होंगी, 3, ठीक है ना, लेंथ ब्रेड हाइट तीनों होंगी, तो इसकी डाइमेंशंस क्या क्या हो गई, डाइमेंशंस आर, इसलिए डाइमेंशंस आर 3x एंड x माइनस 4, क्लियर। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, 12ky² + 8ky माइनस 20k, देखिए इन सारे में से क्या कॉमन आया, 4k, तो अंदर यहाँ क्या बच गया, 3y² माइनस प्लस 2y और माइनस 5, तो ये बन गया आपका 4k इंटू, इनका मल्टीप्लाई माइनस 15 हो गया, तो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 ये बन गया, तो ये आ गया आपका 4k, इन दोनों में से y कॉमन, तो 3y प्लस 5 माइनस 1, तो 3y प्लस 5, 4k इंटू, अब इन दोनों में से 3y प्लस 5 कॉमन, y माइनस 1, इसका मतलब डाइमेंशंस आर 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1, 3, 1, 2, 3, 3 डाइमेंशंस आ गए वॉल्यूम के, ओके ना। ये थे आपके एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट, ठीक है ना। अभी तक सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, ये लगभग 3 वीडियो बनी है इसकी शायद, वो तीनों आप देखना ढंग से, सारा सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या 9416315295 इस नंबर पे आप कॉल करके भी अपना कोई डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। और भी कोई आपके डाउट्स हों, आपको क्वेश्चंस कोई ऐसे हों जो नहीं आ रहे हों, तो वो आप कमेंट बॉक्स में या तो डाल दीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।